नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा कि एक यूथ की बहुत बड़ी टीम कभी स्लम एरिया में है, वहाँ के बच्चों को पढ़ा रही है, कभी उनको डांस करवा रही है, कभी उनको एंटरटेन करवा रही है, कभी उनको संस्कार सिखा रही है, और कभी घरों से रद्दी इकट्ठी करके उसको बेचकर स्लम एरिया के बच्चों के लिए और वहाँ रहने वालों के लिए एक शानदार बाथरूम बना रही है, और कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बाहर वर्टिकल गार्डन्स लगा रही है। मैं चौंका, मैंने कहा आखिर है कौन ये लोग। फिर मैंने अपने चैनल के थ्रू अध्ययन किया और फिर जाकर पता लगा कि ये एक शक्तिशाली टीम है परवास की। और आज हमें ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उस शक्तिशाली और समाज की बहुत बड़ी सेवा करने वाली टीम परवास के जो चेयरमैन हैं हमारे साथ हैं, जो लॉ के स्टूडेंट भी हैं और लॉ के एक्सपर्ट भी हैं और बहुत बड़ी बड़ी प्राप्तियों के बाद यहाँ पहुँचे हैं, अनादिकांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मेरे लिए आज एक सबसे बड़े फख्र की बात है कि मैं एक शख्स जो मेरे गुरुजी जिनसे मैं पढ़ा हूँ, जो डिलिट रहे हैं, पीएचडी के बाद बहुत बड़ी डिग्री होती है डिलिट की, और वर्ल्ड के हिंदी के टॉप के आलोचक रहे हैं डॉक्टर सतीश कांत जी, जिनकी बदौलत, जिनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, और उन्हीं के सुपुत्र हैं अनादिकांत। तो आज हमारी पहली मुलाकात है बहुत सालों के बाद, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। एक बार पहले हम ब्रीफ में जाते हैं, आपने स्टडीज कहाँ तक की और स्टडी के बाद क्या क्या आपने प्लान किया? आई एम अ लॉ स्टूडेंट फोर्थ ईयर के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस लुधियाना के अंदर, एंड इंटर्नशिप्स के दौरान मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा सोशल सर्विसेज के अंदर एंड पॉलिटिकल साइंस में, गवर्नेंस के अंदर कैसे की गवर्नेंस होती है। उससे हमारा आइडिया ये आया कि क्यों नहीं अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए यूथ को डिफरेंट, एंड साथ साथ ही अगर यूथ का नेटवर्क बनता है, बढ़ता है बहुत अच्छे तरीके से, तो वो काफ़ी अच्छा चेंज, रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट कर सकता है। तो उस आइडिया से हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया एंड आज हम काफ़ी अचीवमेंट्स कर चुके हैं, और आपका सबका आशीर्वाद रहा तो और भी ज़्यादा अच्छा तरीके से आगे हम सोसाइटी की सेवा करेंगे। कितने मेंबर्स आपने टोटल बनाए हैं आदाती? अभी तक हमारे पास 300 से प्लस वॉलंटियर्स हैं, जिसके अंदर कि हमारे पास स्टूडेंट्स कई 8th प्लस से है, क्लासेस से ज़्यादा है, 10th से हैं, 12th से हैं, मिक्स बैच है काफ़ी ज़्यादा, जो कि आके अपनी तरफ से जितना वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को, जैसे सर्व कर सकते हैं जैसे वो कर रहे हैं, एंड इंटर्नशिप्स डिफरेंट होती हैं उन सबकी, अलग अलग कंसेप्ट के हिसाब से, वॉलंटियर के हिसाब से हम काम करते हैं। क्या क्या आपने मेन काम अब तक किए? करंटली हम गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हैं, जहाँ पे हम ड्रॉप आउट रेशो जो होती है कि जो स्टूडेंट्स एक लिमिट तक पढ़ के छोड़ देते हैं आगे पढ़ने, उसको हम ठीक कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वहाँ पे इंग्लिश के अंदर हो गया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का हो गया, वहाँ पे वॉलंटियर बेस के अंदर टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स में, साथ साथ ही स्लम एरियाज के अंदर जो कि स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एजुकेशन कम होने की वजह से उनके एडमिशन्स नहीं हो रही, आधार कार्ड की प्रॉब्लम से होनी, हम उस चीज़ को सॉल्व आउट कर रहे हैं। वेरी गुड। एंड साथ साथ ही हमारी प्लांटेशन ड्राइव चलती रहती हैं, इको फ्रेंडली। हमने अभी तक 14 इंटरनेशनल यूथ डायलॉग्स करवाए हैं, जिसके अंदर हमने डिफरेंट एम्बेसीज के अंदर जो यूथ है इंडिया का, उनको इंट्रोड्यूस किया हाई कमिश्नर से, एंड डिफरेंट उनको ऑफिशियल डेलीगेशंस का मतलब समझाया कि कैसे इस चीज़ के अंदर गवर्नेंस चलती है। देखिए, एनजीओ चलाना मैं समझता हूँ एक बहुत छोटा सा काम होता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के फंक्शंस करना, एम्बेसीज तक पहुँचना, तो ऐसी आपकी इतनी बड़ी पहुँच कैसे होगी ये बताइए सर। एक्चुअली इंटर्नशिप्स के दौरान, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ स्टूडेंट होने के दौरान, हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जहाँ पे हमारा अपना डिसीजन होता है कि हम किस चीज़ में जाना चाहते हैं, हम पर्टिकुलरली लॉ करना चाहते हैं या हम पर्टिकुलरली सोशल सर्विस में आना चाहते हैं। सो उस टाइम पे आई वॉज इन इंटर्नशिप एट MLA's ऑफिस, आफ्टर दैट MP ऑफिस, वैसे ही बढ़ते बढ़ते CM ऑफिस, अलग अलग ऑफिस के अंदर, दिल्ली के अंदर हमने इंटर्नशिप करी, जहाँ से नेटवर्क बना, एक इंटेलिजेंस आई कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ग्राउंड लेवल पे, कैसे उन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। और मैं मानता हूँ कि अब आजकल यूथ का जो दौर आ रहा है,
बाय 2020 माना जा रहा है कि इंडिया के सबसे ज़्यादा यूथ की पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट भी उस चीज़ को समझ रही है और अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है. बस उनकी जो सपोर्ट है, लुधियाना में से ममता मैम की सपोर्ट है हमें बहुत ज़्यादा, तो बस उनकी सपोर्ट से हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. बहुत बढ़िया लग रहा है कि आपसे बातें करके, बातें जारी रहेंगी. लेकिन इससे पहले कि हम फाइनली आपसे और पूछें, जो आपकी टीम के नेशनल सेक्रेटरीज हैं, आइए अब उनसे बात करते हैं. थैंक यू सो मच. हमारे साथ है निहारिका बुद्धि राजा जी, जो इस प्रवास की बहुत ही शानदार और पावरफुल टीम की नेशनल सेक्रेटरी हैं. निहारिका जी, स्वागत है आपका. और बताइए क्या क्या डेजिग्नेशंस आपके पास हैं? मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ एनजीओ की. आई एम आल्सो अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट ऑफ लॉ कॉलेज, गुड, इन पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर लुधियाना. हमारे एनजीओ में 75% वुमेन है, जिसमें हमारा मीरा नागपाल मैम है, वो हमारे प्रोफेसर हैं इस लॉ कॉलेज के, वो वुमेन कमीशन के हेड हैं. एंड मैं यही चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ हैं वो हमेशा ये पीछे रहती हैं इन चीज़ों में कि हमने इस एनजीओ में ज्वाइन नहीं करना, कुछ नहीं करना. उनके पेरेंट्स के इश्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटी. बट जब मैंने इस एनजीओ में पार्ट लिया, मेरे को एक बहुत अचीवमेंट लगी इस एनजीओ में ज्वाइन करके, कि यहाँ पर बहुत लोग लड़कियों को प्रोवाइड किया जाती है अचीवमेंट, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जाती हैं कि वो अच्छी तरह से डेवलप कर सकें एंड बहुत अच्छे लोगों में, स्लम एरियाज़ में जा सके, वहाँ पर उनकी हेल्प कर सके. कभी जितनी बार आप स्लम एरियाज़ में गए हैं, तो वहाँ कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आपको आज तक फेस हुई? डिफ़िकल्टीज़ ये होती हैं कि जो वहाँ की लेडीज़ होती हैं या वहाँ की जो सोसाइटी होती है, वो हमारे को कोप अप नहीं कर पाती. उनको ये लगता है कि ठीक है, हर कोई आता है, हेल्प करके चल जाता है. क्योंकि लोगों का यही है कि किसी ने हेल्प करी तो वो उनको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं. तो ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम आती है वहाँ पर. चलिए, आप सभी जितनी भी लुधियाना की और लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको वॉइस ऑफ एशियंस के माध्यम से आप इनवाइट कर सकती हैं कि वो भी आएं, प्रवास में शामिल हों, ताकि आपका प्रवास का जो परिवार है वो सैकड़ों से हज़ारों में और हज़ारों से लाखों में पहुंच जाए. मैं यही कहूंगी जितनी भी लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, मैं इस एनजीओ को ज्वाइन करें, इस प्रवास फेस्टिवल को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाएं जो होने वाला फ्यूचर में. सो मैं यही बोलूंगी जितना हो सके हमारे साथ जुड़ें एंड हमारे इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. और अब चलते हैं इसी संस्था के जो सेकेंड नेशनल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ एक मुलाकात में. अब हमारे साथ हैं प्रवास के ही एक और नेशनल सेक्रेटरी, जतिन नागपाल. मैं हैरान हुआ इनकी उम्र सुनकर, सिर्फ अभी 18 के हैं. और खुशी ये सुनकर हुई कि ये उसी कॉलेज यानी कि SCD गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में पढ़ते हैं BA पार्ट 1 में, जहां मैं भी BA पार्ट 1 में पहुंचा था, लेकिन 1984 में. तो स्वागत है आपका. तो बताइए कि जितने भी आपकी उम्र के युवक हैं, हालांकि उन युवकों को तो ये होता है कि तेज गाड़ी हो पास में, जेब में बहुत नोट हो, क्रेडिट कार्ड हो, और खर्चने के लिए बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स हो, और सारा दिन ऐश करते फिरें, लेकिन बहुत कम युवक ऐसे होंगे जो झोंपड़ियों में अनादिकांत की टीम के साथ जाकर वहां पर कुछ करने का जज्बा करते हों. लेकिन अब बहुत तेज़ी और बहुत बदलाव आना शुरू हुआ, यूथ बड़ी तेज़ी से प्रवास के साथ जुड़ रहा है. तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और यूथ को कैसे आप साथ लगा रहे हो? सर, फर्स्टली आई बिलीव कि जो टीनेज होती है, इट्स द बेस्ट टाइम फॉर एनी यूथ टू बी इन सम गुड सोसाइटी, और अपनी सोसाइटी चूज़ करने का सही टाइम वही होता है. आई बिलीव उस टाइम में हमें अच्छी से अच्छी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, सो दैट वी शुड नॉट रिव्यू इन अवर फ्यूचर. मुझे लगता है कि यूथ जो है वो मिसगाइड हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा. सो व्हाट प्रवास वर्क्स विद,
is the different kind of internships, interventions of youth in different embassies, along with the different moral jo basic activities hoti hain, wo hum sikhane mein help karte hain. That's good. तो चलिए अब आखिर में हम बात करते हैं प्रवास के फाउंडर और चेयरमैन अनादिकांत से, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट ये लोग प्लान कर रहे हैं जो एक बड़े से बड़ा पावरफुल बंदा भी सोच नहीं सकता. तो क्या इवेंट है, आइए बात करते हैं. थैंक यू. So welcome back to अनादिकांत, chairperson and founder of Parvaz NGO. तो अनादिकांत, एक आप बात बताइए कि आज का लुधियाना में बहुत बड़े बड़े लेवल पे सोशल मीडिया में इस बात की बहुत चर्चा है कि परवाज एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, एक बहुत बड़ी स्टार नाइट करवा रही है. तो वॉइस ऑफ एशियंस के दर्शक जानना चाहेंगे कि ये क्या है. तो प्रवास फेस्टिवल जो है ये एक फंड रेजर इवेंट है जो कि हमने प्लान किया, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि अगर हम किसी के पास एक बार फंड लेने जाएं, कोई बंदा दया से कुछ ना कुछ अमाउंट दे देता है, लेकिन अगर उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे उनका उनके लिए एक सोशल नेटवर्किंग हो जाए, साथ साथ ही वो अपना CSR कंपनीज डोनेट कर सकें, और साथ साथ ही आपके लिए एक फन नाइट भी हो, तो क्यों नहीं डोनेशन अच्छा सा रेस होगा और सोसाइटी के लिए भी एक काफ़ी हम काम कर सकते हैं. तो हमने एक प्रवास फेस्टिवल प्लान किया जिसमें हम 10 बॉलीवुड स्टार्स को, जिसमें 8 सेलिब्रिटीज एंड द आर्टिस्ट विल बी कमिंग, जो आके परफॉर्म करेंगे एंड आप सबका मनोरंजन करेंगे, साथ साथ ही आप सबको कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए काम करें एंड हमें अलाउ करें कि हम अपने जो गोल्स हैं, 5 हमारे CSR प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अचीव करने दें. हमारे दर्शकों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी क्योंकि आपने बताया कि 10 स्टार्स, 2 सुपर स्टार्स उनमें जो शामिल हैं, तो कौन कौन आ रहे हैं, किन किन को अभी तक आपने प्लान किया है? सो हमारी प्लानिंग से अरिजीत सिंह, मिक्का सिंह, नेहा कक्कड़ मैम, मोनाली ठाकुर, अंकित तिवारी, न्यूक्लिया एक डीजे हैं काफ़ी फेमस यूथ के बीच में, एंड वैसे ही सलमान खान सर, जैकलिन फर्नांडिस, इनसे हमने अपील किया इन सबको आने के लिए एंड काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है हमें, एंड वी आर होपिंग सारे हमारे पास गेस्ट हमारे पास कुछ दिन होंगे एंड हम आपके लिए बहुत अच्छी नाइट सर्व करेंगे. देखिए, एक बात तो क्लियर है अनादिकांत जी की, 1984 से मैं सोशल फील्ड में भी हूँ, 1989 से जर्नलिज्म में हूँ, लेकिन आज तक एक इतना बड़ा इवेंट करवाने का शायद लुधियाना के प्रशासन ने भी हिम्मत और हौसला नहीं दिखाया जो आप लोग कर रहे हो. तो कैसे ये पावर आई आपने? एक ग्लोबल सिटीजन करके एक NGO है जो कि US बेस्ड है, इन्होंने एक इवेंट किया था इंडिया के अंदर इन 2016 कोल्ड प्ले को लाके मुंबई में, इन्होंने एक दिन में 42,416 करोड़ रेस किया था. क्या बात है. एंड सारी अमाउंट ऑफशोर इंडिया के अंदर अमाउंट लगी, बट हमें नहीं दिखती, हमें उसकी रिपोर्ट्स रोज दिखने को नहीं. तो क्यों, मेरे के दिमाग में ये चीज़ आई कि अगर यूथ सारा इकट्ठा हो और CSR आके डोनेट हो, हम एक अच्छे प्लान के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको, तो क्यों नहीं हम भी कुछ रेस कर सकते हैं एंड पंजाब के अंदर लोकल लेवल के ऊपर अपने तरीके से सारा कुछ करें. सो वो वाला कंसेप्ट हम कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास लोकल सपोर्ट है, गवर्नमेंटल सपोर्ट आ रही है, सारी कंपनी से हमें सपोर्ट है, यूथ सारा हमारे साथ जुड़ा हुआ है. तो आप सबकी बस दुआएं हैं, आप सबका सपोर्ट है जिसके तरीके हम ये प्लान कर रहे हैं एंड ये लुधियाना में पहला हम स्टार नाइट कर रहे हैं इवेंट प्रवास फेस्टिवल. हमारी वॉइस ऑफ एशियंस की सारी टीम की शुभकामनाएं हैं आपके साथ. और जाते जाते हमारे दर्शक ये भी पूछना चाहेंगे कि आप जितने भी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? हमारा फेसबुक पेज है प्रवास के नाम से, आप उस पर हमें मैसेजेस कर सकते हैं. हमारा गूगल फॉर्म अवेलेबल होता है वॉलेंटियर्स के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे प्रोजेक्ट्स देखिए, हमारे साथ जुड़िए, लोगों की सेवा कीजिए. लोगों की सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप किसी मॉनेटरी फंड्स कुछ दें या दान कीजिए, उससे ही आप सेवा कर सकते हैं. आपका खुद आना ही हमारे लिए सेवा मानी जाती है. आप खुद आइए, हमें ज्वाइन कीजिए एंड सेवा कीजिए लोगों की, सोशल वर्क्स में कुछ अच्छा अचीव कीजिए.
दैट्स वेरी गुड. और एक चीज़ और हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आजकल जैसे लुधियाना में भारत फिल्म की शूटिंग चल रही है तो बहुत से दर्शक बेचारे सुबह सुबह लुधियाना से निकलते हैं और 20 किलोमीटर दूर तक जाते हैं कि सलमान की एक झलक देख लें, और फिर बेचारे वहीं से जो छोटे छोटे कास्ट में लोग रोल कर रहे हैं उन बेचारों को मिलकर आ जाते हैं मायूस हुए. तो अगर सलमान के और जैकलिन फर्नांडिस के और बड़े बड़े स्टार्स के आप दर्शन करना चाहते हैं तो प्यारे दर्शकों इससे बड़ा मौका आपके लिए कभी मिल ही नहीं पाएगा. परवाज़ का इतना बड़ा फेस्टिवल है, इतना बड़ा फेस्टिवल है, आप कोशिश करो कि जो सबसे पहली सीट है वही आप बुक करवाओ. पैसे का ना सोचो, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो लगाना ही पड़ता है. और फिर परवाज़ जितना भी फंड इकट्ठा कर रही है इसको सोशल काम में बहुत अच्छी जगह पर लगाएगी, मुझे इस बात का बहुत श्योर है. तो वंस अगेन नादी जी, आपकी और आपकी सारी टीम की हम आज वाकई एक तो प्रेज करते हैं कि आपने हमें समय भी दिया, और वाकई आप लोग बहुत होनहार तीनों लोग ही हो. हालांकि बाकी लोग पहुंच नहीं पाए, उनकी भी सभी की तारीफ सुनिए कि आपने एक हीरो की ही टीम इकट्ठी की हुई है. तो आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका इवेंट बहुत ही सफल हो और लुधियाना के लिए एक मिसाल बने, सेवा के लिए एक मिसाल बने. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. तो प्रिय दर्शकों आप बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये इंटरव्यू, और इसको दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि एक अच्छी और पावरफुल और सही रास्ता दिखाने वाली एनजीओ के बारे में उनको भी पता लगे और वो भी इसमें शामिल हो सकें. फिलहाल आपने यदि अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी मौका है, मत भूलिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ बढ़िया दिखाने वाले हैं. फिर मिलते हैं, नमस्कार.